Now students, this is now the thrill game has started. अब हम ये देखते हैं कि oneandone.com को use करते हुए, यानी ये एक service provider है, एक web host है, hosting service provider है, इसको use करते हुए हम domain name को actually कैसे register करवा सकते हैं और अपनी ownership में ले सकते हैं. Before I proceed further, ये मैं सिर्फ demo purposes के लिए आपको present कर रहा हूँ. मतलब इसका कहने का ये है कि आप इसके अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइडर भी आप चूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है. ये सिर्फ मैंने आपको एक मतलब एक फ्लो बताना है कि हम डोमेन को रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ब्राउजर पर लिखेंगे oneandone.com तो यू विल लैंड अप विद दिस वेब पेज. अब यहां पे सबसे पहले, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कोई वेबसाइट का नाम यानी डोमेन, जो भी आपने अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए नाम चूज किया है, वो आपने पहले फाइनल करना है. पहली चीज तो ये है. बट द गेम डज नॉट एंड हेयर. अब आपने ये भी देखना है कि जो नाम आपने चूज किया है, क्या वो नाम किसी और ने तो नहीं ऑलरेडी कैप्चर कर लिया. तो इसका तरीका ये होता है कि आप एक नाम नहीं चूज करते, आप दो तीन नामों की लिस्ट बना लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो भी आपका रेलिवेंट बिजनेस है, और उसके बाद आप यू स्टार्ट विद द सर्च ऑफ योर डोमेन नेम. उसके लिए आप समझिए कि डोमेन नेम के को सर्च करने के लिए एक सर्च इंजन है हमारे पास, oneandone.com. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहां दोबारा रिपीट करता हूं, डोमेन नेम दुनिया में यूनिक है. यानी दो बंदे एक डोमेन नेम को ओन नहीं कर सकते, ये बात आपने दिमाग में रखनी है. तो लेट सपोज मैंने डोमेन नेम फाइनल किया junk.com, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ समझाने के लिए. मैंने अब गेट नाउ क्लिक किया, तो गेट नाउ बेसिकली इस नाम को सर्च करेगा उस डेटाबेस में जहां पे सारी डोमेन्स पड़ी हुई हैं. अब यहां पे देखें, स्ट्रेंज, इसने मुझे कहा वी आर सॉरी, junk.com इज ऑलरेडी टेकन. व्हाट डज दिस मीन? इससे मुराद ये है कि जो पहले मैं आपको बात कह रहा था ना, अनफॉर्चुनेटली वो सही साबित हुई है कि जो नाम मैंने फाइनल किया था वो नाम कोई और ऑलरेडी यूज कर चुका है और ऑलरेडी वो उसको यूज कर रहा है. यानी अनफॉर्चुनेटली मैं इस नाम को परचेज नहीं कर सकता आसान लफ्जों में. तो उसका मतलब है कि आई हैव टू सर्च फॉर एन अदर नेम, जो, और उसके बाद मुझे फिर देखना है कि क्या जो नाम मैं फाइनल कर रहा हूं क्या वो अवेलेबल है कि नहीं. लेट सपोज मैं यहां पर लिखता हूं, पहले मैंने जंक लिखा था, अब मैं लिखता हूं junkies.com फॉर एग्जाम्पल. लेट सपोज ये अब क्या कहता है, मैंने दोबारा सर्च किया और उसने अब इट्स सर्चिंग, वो भी डेटाबेस में सर्च कर रहा है. अगेन वो कह रहा है junkies.com इज टेकन. लेकिन अब साथ देखें, साथ ना मुझे वो नीचे ऑप्शंस भी दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाह रहा हूं तो दिस माइट बी यू नो अ गुड ऑप्शन कि junkies.store, ये एक एक्सटेंशन है. मैंने इसे किया कॉपी और मैंने यहां पे किया पेस्ट एंड देन आई ट्राई अगेन टू चेक इट आउट. अब आप ये देखें, गुड न्यूज इज कि योर डोमेन इज नाउ अवेलेबल. अब यहां पे जो चीज आपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये डोमेन नेम अवेलेबल तो है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर इट हैपन अ लॉट ऑफ टाइम, और आप ये करके भी देखिएगा कि जिस डोमेन को आप सर्च कर रहे होते हैं ना, इफ यू डोंट परचेज इट, यानी आप थोड़ा गैप दे दे अगर डोमेन को परचेज करने के लिए, तो आफ्टर सम टाइम वो डोमेन कोई और खरीद लेता है. मतलब बहुत सारे लोग या इंटरनेट के ऊपर, सिर्फ आप ही नहीं है जो इस डोमेन को देख रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर गाइज ऑल्सो. सो लेट्स सपोज मैंने ये फाइनल कर लिया कि मैंने junkies.store मैंने परचेज करना है. अब आगे उसका बिल आ रहा है कि एक साल के लिए जो इसकी कॉस्ट है वो 9.99 US डॉलर है, जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है उस वक्त, तो अराउंड 1000 रुपए एक साल की कॉस्ट है. लेट सपोज इफ आई से कि हाँ जी आई वॉन्ट टू कंटिन्यू. अब यहां पे मेरे पास आ रहे शॉपिंग कार्ट, और शॉपिंग कार्ट में देखें junkies.store मेरे पास अवेलेबल हो रहा है. मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, जब कंटिन्यू पे क्लिक किया तो उसके बाद वो ये कह रहे कि जी आपने वेबसाइट के साथ क्या
वेबसाइट, डोमेन और ईमेल एड्रेस भी चाहिए। अब आप नोट करें वही बात कि एक तो डोमेन नेम है जो मैं परचेज कर रहा हूं, अब साथ उसने लिखा है वेबसाइट भी। इसका मतलब ये है कि क्या मैं 1&1.com से वेबसाइट यानी वेबसाइट की होस्टिंग यानी डेटा की होस्टिंग और डोमेन क्या मैं एक साथ परचेज करना यानी दोनों चीजें एक ही सर्विस प्रोवाइडर से परचेज करना चाह रहा हूं या नहीं। यानी आसान तो यह कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर से बात करूं जिसको मैं डोमेन और वेबसाइट यानी डेटा के मैं पैसे दूं। तीसरी चीज ईमेल एड्रेसेस, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट थी जंकीज जंकीज डॉट स्टोर, तो जो फॉर एग्जांपल मेरे यूजर्स हैं जो मेरे इंटरनल यूजर्स हैं उनका मैं ईमेल एड्रेस भी तो बनाना चाहता हूं ना। फॉर एग्जाम्पल शराज एट gmail.com है, तो जो एट द रेट ऑफ gmail.com है ना वो डोमेन है। अब अगर मैं ये पैकेज परचेज करता हूं तो एट द रेट ऑफ जंकीज डॉट स्टोर जो भी मेरा एम्प्लॉय का नाम है या जो भी मेरे यूजर का नाम है, एट द रेट ऑफ जंकीज डॉट स्टोर मैं ईमेल क्रिएट कर सकता हूं। ये इस पैकेज का पार्ट है। तो इफ आई ऑफ फॉर के कंटिन्यू टू कार्ट यानी मैं कहता हूं शॉपिंग कर, हम कंटिन्यू हम रखते हैं, तो अब ये मुझे पूरी की पूरी लिस्ट दिखा रहा है कि जी 0.99 फॉर 12 मंथ का बिल बनता है 11.88 USD और मैंने सेव किए हैं जो भी कंपनी की पैकेज चल रहा है 84 डॉलर। इफ आई ब्राउज डाउन तो यहां पे कंटिन्यू का टैप है, मैंने यहां पे क्लिक किया तो मुझे वो अब आखिरी लैंडिंग पेज पे ले गया। अब यहां पे आपने अगर तो आपका अकाउंट पहले मौजूद है तो आप यहां पे साइन इन आप कर जाएंगे, नहीं है तो यू विल जस्ट गो टू क्रिएट न्यू अकाउंट, अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे, आप अपना पासवर्ड रखेंगे और देन यू विल ऐड योर पेमेंट ऑप्शंस एंड देन यू आर डन विद। तो जो भी आप यहां पे ईमेल एड्रेस देंगे उस ईमेल एड्रेस पे आपको एक ईमेल आ जाएगी कि यू हैव सक्सेसफुली परचेज्ड दिस डोमेन नेम, और जो भी आपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी होगी आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाएंगे और आपको एक SMS और ईमेल आ जाएगी। एंड देन व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द डे, यू विल बी सोल ओनर ऑफ दिस डोमेन नेम, और इस डोमेन नेम के ऊपर आप वेबसाइट को होस्ट भी कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं। ये जेनेरिक तरीका है किसी भी डोमेन नेम को परचेज करने का, रजिस्टर करवाने का। मैंने परचेज मैंने कर ली लेकिन व्हाट आई हैव डन एक्चुअली हियर इज कि मैंने डोमेन नेम को रजिस्टर करवा लिया जंकीज डॉट स्टोर के नाम से।